खबर पोहरी थाना क्षेत्र अंतर्गत की है, जहां बीते 2 मार्च को कोर्ट का पता पूछने के बहाने एक बुजुर्ग से 3 लोगों ने 20,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए, जहां पुलिस ने सक्रियता दिखाते हुए 24 घंटे के भीतर ही लूट को ट्रेस कर 2 आरोपियों को दबोच लिया, जबकि एक आरोपी फरार हो गया है, जहां पुलिस ने तीसरे आरोपी अजय मोंगिया को गिरधरपुर रेलवे स्टेशन श्योपुर से गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार फरियादी सियाराम उम्र 60 पोहरी बस स्टैंड पर खड़ा हुआ था, जिससे अज्ञात 2 लोगों ने कोर्ट जाने का पता पूछा और बाइक पर साथ बैठा कर ले गए। वहीं आगे सुनसान जगह पर फरियादी से लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। बुजुर्ग की शिकायत पर पुलिस ने लूट का मामला पंजीकृत कर लुटेरों का सुराग लगाना शुरू कर दिया, जहां पुलिस ने तत्काल CCTV फुटेज खंगाले, जिसमें आरोपी कैद हो गए, जिसकी मदद से थाना प्रभारी बलविंदर ढिल्लन को सूचना मिली कि लूट के आरोपियों की शक्ल जैसे लोग श्योपुर रोड की ओर निकले हैं, जिस पर पुलिस की एक टीम तत्काल रवाना हुई और 2 आरोपियों को दबोच लिया। आरोपियों ने पूछताछ में अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। वहीं पुलिस ने आरोपियों से 5,500 रुपए नकदी और बाइक जब्त कर ली है। पुलिस ने 2 आरोपियों को न्यायालय पेश किया है, जिन्हें जेल भेज दिया था, जिसके बाद थाना प्रभारी पोहरी बलविंदर ढिल्लन को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि गिरधरपुर रेलवे स्टेशन श्योपुर पर लूट मामले में फरार आरोपी घूम रहा है, जिस पर पुलिस टीम ने दबिश दी और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पोहरी से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। फरियादी द्वारा अपने 20,000 रुपए की लूट बाबत थाना पोहरी पर रिपोर्ट की थी, जिसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम और मेरे द्वारा 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था और मसरू का जब्त किया था। आज उसका जो एक आरोपी और फरार था, वो आज गिरधरपुर रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है, जो मसरू का भी उससे जब्त हुआ है।